सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज के अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे जो है हम अपने प्रोजेक्ट में अपने ऐप में फायरबेस क्रैसलेटिक्स का यूज करेंगे। क्रैसलेटिक्स हमें जो है बताती है कि हमारा ऐप कहाँ पे किस जगह पे क्रैश हुआ है। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे फायरबेस क्रैसलेटिक्स को। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ, और यहाँ सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो खोलते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं एम्प्टी व्यू एक्टिविटी करके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे फायरबेस सी। ठीक है, ये हो गया। अब ये प्रोजेक्ट बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ जाएंगे हम क्रैसलेटिक्स की डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें अपने प्रोजेक्ट को फायरबेस के साथ कनेक्ट करना होगा। तो मैं आता हूँ अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, और यहाँ से मैं जाऊंगा टूल पे, फायरबेस के अंदर, और फिर मैं जाऊंगा यहाँ से क्रैसलेटिक्स के अंदर, और यहाँ से गेट स्टार्ट करूंगा और कनेक्ट टू फायरबेस करेंगे। ठीक है, ये हमारा वेब लॉन्च कर देगा, और फिर हम इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। मैंने अपने लॉगिन वाले प्रोजेक्ट के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। थोड़ा सा टाइम लेगा कनेक्ट होने में। यहाँ पे मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और फिर ये जो है कनेक्ट हो जाएगा। ओके, ये हमारा फायरबेस से साथ कनेक्ट हो गया। हम इसकी एसडीके को ऐड करेंगे। मैं एक्सेप्ट चेंजेस करता हूँ यहाँ से, तो एक बार हम वेरीफाई कर लेंगे सारी चीजें हैं यहाँ पे ना। यहाँ हम ऐप के अंदर चलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लगइन्स में हमारा क्लास क्रैसलेटिक्स को ऐड कर दिया गया है। और यहाँ पे मैं डिपेंडेंसी भी आपको दिखाता हूँ। ये जो डिपेंडेंसी है, ये डिपेंडेंसी को भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। जितनी चीजें डॉक्यूमेंटेशन में कही गई हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे कॉपी करूंगा और इसे डायरेक्टली यहाँ पर इसके नीचे मैं पेस्ट करूंगा। ओके, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखेंगे कि हमारा क्रैश जो है वो हमारे क्रैसलेटिक्स तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने फोन को कनेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैं डायरेक्टली रन करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को। तो ये जो हमारा ऐप है वो रन हो चुका, और ये जो है ये अभी क्रैश हुआ। तो हम अपने फायरबेस में जाएंगे और यहाँ से अपने फायरबेस को ओपन कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ गेट स्टार्ट हो जाएंगे और फिर अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम रन के अंदर जाएंगे और यहाँ एथलेटिक्स रन के अंदर आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आ गया। ये यहाँ पे देखिए हमारा एक क्रैश आ गया है। ये हमारे डिवाइस का नाम आ गया, कौन से वर्जन में आया, एंड्रॉयड एंड्रॉयड 14 जो डिवाइस का एंड्रॉयड वर्जन था वो यहाँ पे शो हो रहा है, डेट एंड टाइम शो हो रहा है। ठीक है, अभी इसके नीचे हम देखते हैं, ये सारी चीजें जो है हमें शो हो जाती हैं। ये देखिए ये सारी चीजें हमें शो हो जाती हैं। हमने जो वहां पे, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप आके देखेंगे तो ये जो है टेस्ट क्रैश, हमारा एक्सेप्शन यहाँ पे आ चुका।
आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो अगले अपने इस वीडियो में हम जो है परफॉर्मेंस को कैसे इंटीग्रेट करेंगे अपने ऐप में, और परफॉर्मेंस हमें क्या क्या बताता है, ये सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। ठीक है।